नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गार्डन सफारी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके घर में बिल्कुल पेड़ वाली फीलिंग देगा और साथ ही एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर भी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कौन सा है वो प्लांट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुंदर से प्लांट शफलेरा के बारे में। इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो ये अम्ब्रेला की तरह, इसकी जो पत्तियों का ये जो है ये अम्ब्रेला की तरह बन जाती है, कैनेपीज की तरह। ये अप्रॉक्सीमेटली 13 फीट तक लंबा हो सकता है। एवरेज हाइट इसकी 1 से लेकर 6 फीट तक हो सकती है। ये आपको ड्रा वैरायटी में भी मिल जाएगा। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये एक नेचुरल एयर फ्रेशनर है और डिटॉक्सीफायर है। ये हवा से टॉलिन, बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करता है। साथ ही सिगरेट से होने वाला यानी स्मोकिंग से होने वाला जो पोल्यूशन है उसको ये रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, ये वेरीगेटेड भी होती है, ग्रीन भी होती है। आप जो ये देख रहे हैं मेरे पास में, ये बिल्कुल ग्रीन वाली वेराइटी है। अगर आप इसकी पत्तियों को देखेंगे ध्यान से तो ऐसा लगता है ये भी वैक्स कोटेड है और बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप इनको कपड़े से अगर अच्छे से साफ कर देंगे तो देखिए एकदम लश्कारे मारेंगी इसकी जो पत्तियाँ हैं वो, एकदम शाइन करती है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। इसको जो मिट्टी चाहिए वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो जब आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो इसमें आप तो 50% सॉइल, 30% सैंड और 10-20% तक आप कंपोस्ट ले सकते हैं। ज़्यादा कंपोस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है। पहली बार मिट्टी बनाने के टाइम अगर आप इतनी कंपोस्ट डाल देंगे तो अगले 3-4 महीने आपको इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मैंने आपको किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताया था वो आप चाहें तो महीने में एक बार डाल सकते हैं पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग। 8 इंच तक का पॉट है आपका तो आप 100 ml उसमें दे सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो ये जो ग्रीन वाली वैरायटी जो मेरे पास में है, ये वैरायटी ये थोड़ी ठंड बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो इसकी वेरीगेटेड वाली होती है ना वैरायटी, उसको थोड़ी सी वार्म चाहिए होती है। ज़्यादा ठंड होगी तो उसकी जो पत्तियाँ हैं ये गिर जाएंगी। अगर हम इसकी लाइट की बात करें दोस्तों, तो इसको बिल्कुल ब्राइट लाइट पसंद है। तो आप इसको वैसे इंडोर या आउटडोर रख सकते हैं, मगर आउटडोर बिल्कुल फुल सनलाइट में मत रखिएगा। ऐसे एरिया में रखिएगा जहाँ पर शेड हो। और अगर इंडोर रखते हैं तो आप ब्राइट सनलाइट में इसको रखिए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे मैंने बताया ये ड्रा वैरायटी में भी आपको मिलता है, तो आप इसको अपने ऑफिस के टेबल से लेकर अपने घर की छत तक लंबा कर सकते हैं। तो अगर आप इसका टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको ब्राइट सनलाइट में आप रखिए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। अगर आप इसको लो सनलाइट में रख देंगे ना तो ये बहुत लेगी लेगी सा हो जाएगा। तो अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखिए तो आपका प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी होगा। दोस्तों, अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसको मॉइस्ट मिट्टी अच्छी लगती है, पर इसको बिल्कुल क्ले क्ले सी मिट्टी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप इसमें सपोज़ 1 हफ्ता पानी देना भूल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी दे दिया तो काम ख़राब है। तो इसकी जो रूट्स है और इसकी जो ये स्टेम है ये रॉट हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ऊपर की मिट्टी देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, जब ऊपर की मिट्टी आपको पूरी तरीके से सूखी लगे तब आप इसमें पानी दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास ये प्लांट है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही है या झड़ रही है, तो ये साइन है ओवर वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और झड़ जाएंगी। दोस्तों, ये जो प्लांट है ना ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, खास करके इसके ग्रोइंग सीज़न में जो कि होता है बसंत का और गर्मियों का सीज़न। तो इस टाइम पर अगर आप इसके फर्टिलाइज़र का, इसकी लाइट का, इसकी वाटरिंग का अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट एक ही सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बुशी और लंबा हो जाएगा। शफलेरा को छोटे पॉट में रहना अच्छा लगता है एज़ कंपेरिजन बड़े पॉट के। तो आप जब भी इसको लगाते हैं तो थोड़े छोटे पॉट में लगाइए इसको। 1-2 साल तक तो वैसे रिपॉट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जब भी आप रिपॉट करते हैं तो इसको एक साइज़ बड़े प्लांट पॉट में रखिए, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में इसको आप शिफ्ट मत कीजिए। एक और ख़ास बात दोस्तों, इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसकी जो स्टेम होती है, इससे एक सैप निकलता है जिससे लिप्स पे, टंग पे या माउथ में इरिटेशन होने की शिकायत हो सकती है। तो आप अपने पेट्स से और अपने बच्चों से इसको थोड़ा सा दूर रखिएगा। देखा दोस्तों आपने, सुंदर से प्लांट को लगाना ग्रो करना कितना इजी है। इसको प्रोपगेट करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। इसकी जो कटिंग्स होती है, जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो जब ऊपर की जो कटिंग होती है उसको आप लगा सकते हैं फरवरी या फिर रेनी सीजन में।
वाइट वॉल के सामने इस डार्क ग्रीन प्लांट को रखिए, तो ये आपकी वॉल की को और अच्छे से इन्हेंस करेगा और अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी। कीप प्लांटिंग।